हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए दोस्तों, इस महीने की क्या कार्रवाई सहारा सुब्रत राय पर हुई उसको लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, पूरी न्यूज़ क्या है आइए सुनाते हैं। नई दिल्ली सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन कर बांड बिक्री करने के मामले में अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। यहाँ की एक विशेष अदालत ने सहारा प्रमुख और तीन अन्य की उस याचिका को खारिज कर दिया जिससे बॉन्ड बिक्री मामले में बरी करने की अपील की गई थी। आगे समाचार है दोस्तों, अदालत ने उनकी याचिका को इस माह की शुरुआत में खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला चलाने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त दस्तावेज हैं। न्यायाधीश एमएम उमर ने अपने आदेश में कहा कि दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर मेरी राय है कि आरोपी ने प्रथम दृष्टा में ऐसा मामला पेश नहीं किया है जिससे उन्हें बरी किया जा सके। आगे समाचार है दोस्तों, इस मामले में राय ने अलावा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया रियल इस्टेट तथा उसके तीन निर्देशकों को आरोपी बनाया गया है। राय और तीनों निर्देशकों को ने अदालत में याचिका दायर कर उन्हें इस मामले में बरी करने की अपील की थी। यह मामला कंपनी द्वारा जारी किए गए वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचरों OFCD से जुड़ा हुआ है। आगे लिखते हैं कि सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने कंपनी कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत प्रस्ताव पारित कर निजी नियोजन के आधार पर मित्र सहयोगियों समूह की कंपनियों कर्मचारियों और सहारा समूह की अन्य सबद्ध इकाइयों को बिना गारंटी वाले OFCD जारी कर कोष जुटाने की मंजूरी दी थी। आरोप है कि कंपनी 75 लाख से अधिक अंशधारकों को OFDC जारी किए जो निजी नियोजन के लिए 49 व्यक्तियों की सीमा से अधिक हैं। कंपनी कानून के प्रावधानों के तहत निजी परियोजना 50 से कम व्यक्तियों को किया जा सकता है। ऐसे में आरोपी कंपनी द्वारा निजी नियोजन के नाम पर सार्वजनिक निर्गम जारी किया गया है। कंपनी द्वारा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर हलफनामे के अनुसार उसने नवंबर 2009 में अप्रैल 2011 के दौरान OFDC जारी कर 6.3 करोड़ रुपये जुटाए। समूह की एक अन्य कंपनी ने भी कथित रूप से 2 करोड़ निवेश से अप्रैल 2008, 2011 के दौरान 19,400 करोड़ रुपये जुटाए 19,400 करोड़ रुपये जुटाए सॉरी दोस्तों। आगे समाचार दोस्तों नहीं है, जो भी समाचार इस महीने का लास्ट के या दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि महीना निकलने वाला है और इसके मुख्य समाचार यही थे दोस्तों। अब जो नए महीने के नई कार्रवाई, कानून क्या करता है, अदालत क्या करती है, सेवी विभाग क्या करता है, सब जो भी आएगी आपके लिए ज़रूर दी जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।